तो फाइनली टीवीएस कंपनी ने अपाचे आरटीआर 164E मॉडल को डुअल चैनल एबीएस के साथ लॉन्च कर दिया है। तो काफी सारे लोग अपाचे 164B में चाह रहे थे डुअल चैनल एबीएस, तो ऐसे में कंपनी ने इसको फाइनली इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब आपको अपाचे इस नए कलर ऑप्शन के साथ देख सकते हैं जो लाइटनिंग ब्लू है, इसमें डुअल चैनल का एबीएस मिलेगा। फिलहाल अभी इसे केवल सिंगल कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च किया गया है। हालांकि जो स्पेशल एडिशन मिलता है वहां से कुछ एलिमेंट यहां पे लिए गए हैं, जैसे कि आपको कलर्ड व्हील यहां पे देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इसमें आपको कलर्ड सीट भी देखने को मिल जाती है, यानी कि डुअल टोन की सीट दी गई है। तो ये आपको इसके स्पेशल एडिशन से लिया गया है। इसमें एडजस्टेबल ब्रेक लीवर्स और क्लच लीवर्स भी दिए गए हैं। साथ ही इसमें 3 राइडिंग मोड्स मिलता है। स्मार्ट एक्स कनेक्ट पहले भी मिलता था और इस मॉडल में भी स्मार्ट कनेक्ट का फीचर दिया गया है, लेकिन जो सबसे बड़ा चेंजेस आपको नजर आएगा इसमें डुअल चैनल का एबीएस अब दे दिया गया है। इंजन स्पेसिफिकेशन में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। पहले की तरह आपको 17.6 पीएस का पावर जो कि स्पोर्ट मोड में आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें डुअल चैनल एबीएस देने की वजह से आपको इसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, ज्यादा अच्छा कंट्रोल आपको मिलेगा बाइक में। तो इस नए लुक के साथ अपाचे 164B मॉडल डुअल चैनल एबीएस में कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वहीं इसकी जो प्राइसिंग रखी गई है एक्स रूम 135,000 रुपीज यानी 135,000 रुपए तक रखी गई है, लेकिन वही अपाचे की जो सबसे बेस वेरिएंट है उसकी एक्स रूम प्राइस 124,000 रुपए से स्टार्ट होती है। वहीं जो स्पेशल एडिशन है उसकी एक्स रूम प्राइस 132,170 रुपए तक है, लेकिन ये उससे लगभग 3,000 रुपए तक ज्यादा महंगी है। 135,000 के एक्स रूम प्राइस में इसको लॉन्च की गई है। और इसको कंपनी ने जो टीवीएस मोटोसोल 2023 है गोवा में इवेंट है वहां पे कंपनी ने इसको लॉन्च किया है, तो जल्दी आपके नजदीकी शोरूम पे भी अवेलेबल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव आपको लगी होगी। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।